तो दोस्तों पतिदेव यहाँ पे पहुंच चुके हैं। क्यों नहीं बनाना हुआ, देखिए ना जाते नहीं देखा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। ब्लॉगिंग स्टार्टिंग हो रही है 6 बजे से और हमारा शाम का चाय पानी सब कुछ हो गया है। और तो आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। मैंने सोचा मैं ये मोमेंट आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँ, तो तभी मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ और मेमोरी सेव करने के लिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। तो आज मेरे पतिदेव घर आने वाले हैं, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं ये ब्लॉग आप सभी लोगों के साथ, ये वीडियो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, तभी ये ब्लॉग भी बना रही हूँ। और ये मेमोरी मेरी सेव रह जाएगी शादी के बाद। वो एक 11 महीने हो गए, तो अभी आ रहे हो शादी के बाद, तो तब से अभी आ रहे मतलब अब तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही मेरे को कि पतिदेव घर आने वाले हैं। और काफ़ी ज़्यादा अंदर से खुशी हो रही मेरे को, तो इसी के लिए ब्लॉग बना रही हूँ। बाकी आप बने रहे ब्लॉग में, क्या क्या करती हूँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी तो धूप धूप चली गई है और शाम का टाइम है, तो दोस्तों आप बने रहे ब्लॉग के साथ और आगे को जो भी होगा आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। बाकी दोस्तों बहुत टाइम के बाद आज मेरा इंतज़ार ख़त्म होने वाला है और पतिदेव घर पहुंचने वाले हैं। और वो अभी तो अल्मोड़ा पहुंचे हैं, तो उनको अभी घर आने में टाइम लगेगा, मतलब रात को ही पहुंचेंगे। तो जब भी पहुंचेंगे आपको मैं दिखाई दूंगी, आप बने रहिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो कल का ब्लॉग आज कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, और कल नहीं पहुँच पाई पतिदेव घर, तो आज पहुँचने वाले हैं घर। अल्मोड़ा से उनको गाड़ी नहीं मिली कल, तो आज वो घर में पहुंच जाएंगे। और तो सुबह का टाइम है, धूप भी आ गई है, हमारा नहाना धोना हो गया है, सुबह का जो भी काम होता है सारा हो गया है। बाकी अभी आपको दिखाते आज का मौसम। बाकी दोस्तों मैंने यहाँ पे आलू भी छील के रख दिए हैं और अब आटा गूंथती हूँ। बाकी दोस्तों आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, और पतिदेव को काफ़ी ज़्यादा पसंद है आलू के पराठे, तो उनके पसंद के आलू के पराठे बन गए उनकी डिमांड पर। तो पहले मैं पराठे बना लूँ, अभी तो वो पहुँचे नहीं है, मतलब घर वालों के लिए बना देते हैं पहले और उनके लिए फिर बाद में बनाएंगे। तो फटाफट से मैं पराठे बनाती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सोनी लोग पराठे खा रहे हैं, तो कैसे रहना बताओ, कैसे हो रखे हैं? अच्छा कौन आते बताओ, हमको भी मिल दिया खाने को, हमको भी मिल दिया खाने को, ना तो नहीं मिलना चाहिए पराठा को मिलना था। तो दोस्तों ये है मेरे पराठे। तो दोस्तों पतिदेव यहाँ पे पहुंच चुके हैं। क्यों नहीं बनाना हुआ, देखिए ना जाते अब देखिए। तो दोस्तों पतिदेव यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे दद्दा पहुँच चुका है, तो तुम्हें कैसा लग रहा है 2-3 दिन के बाद सफर करने के बाद? बहुत बुरा, बहुत गंदा सफर है। सो जाओ अब। यहाँ पे मम्मी इमोशन हो चुकी है, इमोशन इमोशनल हो गया, इनफ है, बंद करो। भाभी पानी देते हुए थोड़ा गुलाब भी रखा था, वो भी दे दो एक।
गाइस मुझे बैग खोलने की बहुत एक्साइटमेंट है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बैग खोलती हूँ, देखते हैं क्या क्या लेके आए हैं। तो गाइस भाभी यहाँ पे दादा के लिए आलू के पराठे बनाने लग गई है क्योंकि उन्हें बहुत भूख लगी है। तो आपको कैसा लग रहा है कि दादा घर आ गए हैं उनके लिए पराठे बना रहे, बताओ तो कैसा लग रहा है? आज तो चेहरे पे अलग ही निखार आ रखी है यहाँ पे मैडम जी के, उनके लिए गरम गरम पराठे बनाते हुए।